guys, very good afternoon. This is Danny and welcome back to the channel guys. And एक और content लेके मैं आ गया हूँ and फिर से ठीक है, अभी फिर से एक हफ्ते का गैप आ गया, जनता माफ नहीं करेगी, फिर से बना नहीं पाया, बट ठीक है, एक और नया content लेके आ गया हूँ and ये content आपके लिए आई होप आपको पसंद आएगा. ऑब्वियसली गाइज, अगर आप मेरे नोन पर्सन हो एंड आपको गाड़ियों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिकली यू हैव टू स्किप दिस कंटेंट. दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर इनटू यू नो कार्स एंड ऑल. ठीक है, जिनको गाड़ी लेने में इंटरेस्ट है या फिर जिनको गाड़ियों के अपडेट्स के ऊपर इंटरेस्ट है. ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, यस वी आर बैक विद द टाइगर टाइगर एडिशन, जो अपना नया एडिशन लॉन्च हुआ है नाइट अर्बन. ठीक है, तो अर्बन एडिशन जो लिमिटेड है स्टॉक, उसी का कंटेंट लेके मैं हाजिर हूँ. एंड इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं काम पे हूँ. ठीक है, मैं इस वक्त अपने वाले शोरूम पे नहीं गया, मैं इस वक्त हूँ एस राव नगर वाले शोरूम पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. ठीक है, एंड राइट नाउ आई एम इन एस राव नगर शोरूम एंड यहाँ पे मैं अपना एक शूट करने आया हूँ. और जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दैट इज अ नॉन टर्बो. ठीक है, तो नॉन टर्बो अभी जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द कंटेंट. राइट, देख रहे हो इस वक्त मेरे सामने जो है ये है नॉन टर्बो अर्बनाइट लिमिटेड एडिशन काइगर. ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ चेंजेस किया गया कंपनी की तरफ से. ठीक है, और वो जो अपडेट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. इसमें कुछ पांच मेजर अपडेट्स है. व्हीकल वाइज अगर मैं बताऊँ तो अपना इंजन वाइज कुछ भी अपडेट नहीं है इसमें, खाली अपना जो पहले एक्सेसरीज के पार्ट में आता था वो सारे पार्ट इसमें एड ऑन हुए हैं. ठीक है, और ये वाले एडिशन आई थिंक कंपनी हैज लॉन्च है 1000 व्हीकल्स ईच. जैसे कि मैं आप यहाँ पे बताता हूँ, दिस इज आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ट्राइबर टाइगर एंड क्विड. ठीक है, तो इनके जितने भी वेरियंट्स इनके जो लिमिटेड एडिशन लॉन्च हुआ है वो अराउंड 1000 व्हीकल्स ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हुआ है. ठीक है, तो अभी अपने सामने जो है ये है नॉन टर्बो. ऑलराइट, तो जैसे कि आप देखते हो चाबी उसी तरह से है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, और बाकी अगर आप सामने का स्किड प्लेट देखोगे तो ये थोड़ा सा कलर मेरे को इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि मेरा वाला थोड़ा सा वाइटिश है एंड ये वाला थोड़ा सा ग्रे कलर में, डार्कर साइड में, तो इसका थोड़ा सा टोन डार्क किया गया है, तो ये एक चीज़ है. तो ये तो बाई डिफॉल्ट ही आएगा. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो यहाँ पे अर्बन नाइट एडिशन आप देख रहे हो इसमें सिर्फ RXZ में ही अवेलेबल है. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज द RXZ एंड सिर्फ RXZ में अवेलेबल है अर्बन नाइट एडिशन लिमिटेड जो है, लिमिटेड एडिशन. ठीक, तो मैं आपको सबसे पहला मेजर अपडेट जो है वो बता देता हूँ. ओके, तो इसमें जो मेजर अपडेट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ एक बार. ठीक है, तो लेट मी जस्ट टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड लेट्स मी शो यू. हाँ, देखो, तो अभी आपको अगर आप ये वाला लिमिटेड एडिशन ले रहे हो तो आपको बिल्कुल फिकर करने की जरूरत नहीं है अलग से डैश कैम लगाने की. ठीक है, तो कंपनी अच्छा खासा एक डैश कैम आपको इनबिल्ड दे रही है. भाई सिर्फ इनबिल्ड सामने वाला डैश कैम ही नहीं है बल्कि पीछे वाला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. चलो एक बार रिवर्स में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ. हाँ जी, ये देख रहे हो बीप कर रहा है. तो बेसिकली दिस इज द रेयर कैम और यहाँ पे भी आपको रेयर कैम काम करेगा डिस्प्ले में भी और आपको यहाँ पे भी दिखेगा. एंड रेनॉल्ट
नेम्ड इट एज स्मार्ट मिरर मॉनिटर जो कि 24.5 सेंटीमीटर का है। हाँ जी, ये बीप कर रहा है तो इसको निकाल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा खासा आपको इनबिल्ट कैमरा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है स्कफ प्लेट। स्कफ प्लेट जो है आपको चारों डोर्स पे दिखेंगे इल्यूमिनेटेड वाले, ठीक है। और नाउ दिस वन, जो पहले एक्सेसरीज के पार्ट थे अभी वो आपको इन बिल्ड लिमिटेड एडिशन में सिर्फ RXZ में देखने को मिलेगा, एंड वो है पेडल लैम्प। तो पेडल लैम्प जो देख रहे हो, दिस इज द थर्ड अपडेट। इसके अलावा एक और अपडेट मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये देखो, मेरे को ये बहुत कसम से, मेरे को पर्सनली ये जो एम्बियन लाइट है ना, ये वाला बहुत सही लगा। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये इस तरह से मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये सिर्फ ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको इस वक्त, बट अपार्ट फ्रॉम ब्लू कलर टोटल इसमें कंपनी अराउंड 24 कलर्स प्रोवाइड करती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ, अभी ये सब अपने को यू नो कैसे मैनेज करना है, तो बेसिकली एक ऐप है, वो ऐप के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे को पूरा डिटेल्स उसके बारे में पता नहीं एग्जैक्टली इस वक्त। तो वो ऐप के थ्रू आप ये सब चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, एम्बियंट लाइट वगैरह चेंज करना, ठीक है। तो वो एक चीज है। एंड एज यूजुअल डोर्स पे जो एम्बियंट लाइट्स है वो तो पहले से जो जैसा है वो सिमिलर ही है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 22 यू नो जो फेस लिफ्ट आया था BS6 सेकेंड फेस वर्जन में, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल TPMS जो ऐड हुआ था, जिसके लिए मैंने अलग से बहुत पहले ही कंटेंट बना चुका हूँ, तो वो सब वैसे ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। और इन सब के अलावा अभी पहुँचते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, तो ये जो डोर क्लैडिंग है ये आपको इनबिल्ट देखने को मिलेगा। मैंने बताया ये वाला है नॉन टर्बो वेरिएंट, ठीक है। तो नॉन टर्बो वेरिएंट अपने को 72 PS का हॉर्स पावर एंड 96 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो पहले था, इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है, इंजन स्पेसिफिकेशन सब कुछ सिमिलर रहने वाला है पहले जैसा ही। एंड टर्बो वर्जन में जैसे कि आप जानते हो मैनुअल में 100 PS का हॉर्स पावर एंड 160 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड अगर आप CVT के लिए जाते हो तो 99 PS का हॉर्स पावर एंड 152 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा CVT में। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस तो सारे सेम होने वाले हैं, सिर्फ कुछ एड ऑन्स किए गए कंपनी की तरफ से लिमिटेड एडिशन में, है ना। तो रूफ रेल्स आपको फंक्शनली मिलने वाले एज यूजुअल। और ये देखो, मिरर कुछ इस तरह से दिखने वाले, इनबिल्ट डैश कैम बहुत सही लग रहा है। और मैंने जैसे कि बताया था कि सिर्फ फ्रंट में ही नहीं बल्कि रेयर में भी आपको दिखेगा। लेट मी शो यू दैट। कहाँ छुपा हुआ है ये देखो, यहाँ छुपा हुआ है भाई साहब, गिर गया। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये वाला रेयर कैमरा है, ठीक है। तो फ्रंट के अलावा रेयर में भी कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया कैमरा, तो जो कि बहुत सही चीज है। ओके, अभी बता देता हूँ, बूट लैंप्स भी ऐड कर देना चाहिए था कंपनी को, बट वो वाला एज यूजुअल फिक्स एक्सेसरीज में ही आपको लेना पड़ेगा अलग से। तो बेसिकली बूट स्पेस आप जैसे कि जानते हो सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है टाइगर, 405 लीटर्स का बूट स्पेस है, ठीक है। एंड अगर आप रेयर सीट को फोल्ड कर लेते हो ना, तो रेयर सीट जैसे ही फोल्ड हो जाएगा तो आपको कंप्लीटली 879 लीटर्स का बूट स्पेस जो है टोटल मिलने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। अगर दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं लॉन्ग पे, तो यार कसम से सीट फोल्ड कर लो एंड लिटरली ऑलमोस्ट 880 लीटर्स का बूट स्पेस, मतलब डबल से भी ज्यादा। एंड अभी सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी पॉइंट,
मैं आपको बता दूं, अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन सिर्फ और सिर्फ RXZ में ही आपको देखने को मिलेगा, दूसरे वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो RXZ में आपको मिलेगा एंड ब्लैक कलर में, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आपको मैं अभी एक बार प्राइस वेरिएंट्स बता देता हूँ, ठीक है? जो MY22 के मॉडल्स है उसमें अगर आप जाते हो टर्बो वेरिएंट के साथ, देन ऑन रोड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 11,15,000 और समथिंग लाइक दैट, ओके? MY22 की बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप 20 MY तो ऐड नहीं होगा, बट दिस इज अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन, तो अगर आप इसमें इस वेरियंट में जाते हो तो आपको इसमें टर्बो में बता दूं मैं, नॉन टर्बो में इट विल कॉस्ट यू अराउंड 11,15,000 ऑन रोड फॉर नॉन टर्बो, एंड फॉर टर्बो वेरिएंट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12,95,000 चेंज। तो बेसिकली ये ऑन रोड प्राइस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो गाड़ी चेकआउट करने में तो आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप के साथ चेकआउट कर सकते हो फॉर एग्जैक्ट प्राइस डिटेल्स, ओके? तो ये वाला मैं हैदराबाद तेलंगाना का जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस वो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। तो प्राइस डिफरेंस तो काफी नजर आ रहा है मेरे को, एंड करीब करीब अगर मैं बताऊं तो इन शॉर्ट 1.5 लाख के ऊपर का प्राइस डिफरेंस है MY22 एंड अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन में। तो ये जो फीचर्स जो एड ऑन हुए हैं, जो एक्सेसरीज एक्स्ट्रा एड ऑन हुए उन सब का कॉस्ट अच्छा खासा लगा है कंपनी ने। तो यस, दिस इज इट। एंड डिस्प्ले वगैरह सब कुछ तो सेम ही होने वाला है, बट एम्बियंट लाइट मेरे को बहुत सही लगा। दो चीज़ें, एक तो एम्बियंट लाइट, एक अपना यू नो इनबिल्ट कैमरा 24.5 सेंटीमीटर का स्मार्ट डिस्प्ले जो दिया है कंपनी ने, वो वाला चीज, फ्रंट एंड रेयर कैमरास, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पडल लैम्प। जो पडल लैम्प है वो भी बहुत सही लगता है नाइट टाइम में, अभी आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट नाइट टाइम में बहुत सही लगता है। तो दिस इज इट फ्रॉम द अपडेट ऑफ दिस अर्बन नाइट एडिशन। राइट नाउ वी आर इन PPS मोटर्स रेनॉल्ट एस राव नगर हैदराबाद, ठीक है? तो हैदराबाद में इस वक्त है हम लोग, और दिस इज काइगर अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन फॉर यू। हाँ भाई, तो बेसिकली आपने जो अभी कंटेंट देख लिया तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन ऑफ काइगर, ठीक है? तो बेसिकली मैंने जैसे कि मैंने बताया पहले कि सिर्फ आपको RXZ ब्लैक कलर में ही अर्बन नाइट लिमिटेड एडिशन मिलने वाला है ट्राइबर काइगर एंड क्विड में, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज कंटेंट, एंड यस दिस इज माय अवतार राइट नाउ। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि अपना शोरूम का जो यहाँ पे रिव्यू था वो तो डन हो चुका है, एंड ज़रूर से बताने एक बार हो सके तो, कि मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब जो मैंने ये जो चश्मा इस वक्त पहना हुआ है वो एक्चुअली सेट हो भी रहा है या नहीं, ये हो सके तो आप बताना, है ना? क्योंकि प्रीवियस कंटेंट में मैंने जैसे कि बताया था लेंस कार्ड में मैं गया था, ऑर्डर किया तो 2 दिन में ऑर्डर आ गया था। एंड यस, ये वाला ट्रांसपेरेंट वेरियंट है, एक और ब्लैक वाला फ्रेम का लिया है मैंने, तो वो भी अलग से रखा हुआ है। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज कंटेंट गाइस, एंड आई होप इफ यू लाइक द कंटेंट डू गिव इट अ थम्स अप, एंड हो सके तो ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा। अच्छा मोटिवेशन मिलता है यार, 500 सब्सक्राइबर्स अपने होने वाले हैं। आई होप विद दिस वीडियो विल क्रॉस 500 का फर्स्ट माइलस्टोन, छोटा सा माइलस्टोन है अपना, छोटा सा फैमिली अभी शुरुआत ग्रो होना शुरू हो रहा है बेसिकली, तो आई हैव टू कीप इट गोइंग विथ रेगुलर कंटेंट्स। तो हाँ, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज कंटेंट, एंड बी सेफ स्टे सेफ, एंड गणेश चतुर्थी चल रहा है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। हमारे ऑफिस में जो मूर्ति रखा गया था उसका इमर्शन हो गया है, वो वाला मैं निकाल नहीं पाया बिकॉज मैं काम में था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया विसर्जन, सैडली। बट अपने घर का जो विसर्जन होने वाला है वो मैं हो सके तो उसका कंटेंट बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट श्योर। तो या
So soon I'll be back with a different content. Till then, this is Danny signing off. Bye bye, take care.